हेलो दोस्तों, मैं संजय राज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है पुरी से वलसाड़ के बीच में चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है रानू देहारिया ने। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी से गुजरात के वलसाड़ तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22910। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन पुरी से वलसाड़ के बीच की दूरी 2069 किलोमीटर की जर्नी को कवर करती है लगभग 37 घंटे और 20 मिनट में। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 56 किलोमीटर पर आवर की और इस ट्रेन का संचालन करती है पश्चिमी रेलवे। यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है, जो हर रविवार को सुबह उड़ीसा के पुरी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरती हुई हर सोमवार शाम को यह गुजरात के वलसाड़ रेलवे स्टेशन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के पुरी से वलसाड़ के बीच में 23 स्टेशनों पर ठहराव होता है और यह एक सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन है। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में LHB श्रेणी के कोच लगते हैं और जिसमें एक सिंगल कोच AC 2 टायर का लगता है। AC 2 टायर के कोच का पुरी से वलसाड़ तक का किराया रहता है 2940 रुपए। AC 3 टायर के इसमें दो कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 2010 रुपए। इस किराए में दोस्तों GST, सुपरफास्ट और रिजर्वेशन चार्ज शामिल रहता है। इनके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के 8 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 760 रुपए और सामान्य क्लास के इसमें कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 431 रुपए। यह जो किराया बताया गया है दोस्तों, यह पुरी से वलसाड़ तक का है, परंतु फिर भी इस किराए में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इसे एक बार आप रेलवे की वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से कंफर्म अवश्य कर लें। इस ट्रेन में दोस्तों आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को वडोदरा लोको शेड का WAP-4E या फिर ITRC लोको शेड का WAP-4, इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पूरी वलसाड़ ट्रेन के सभी स्टेशनों और उनके टाइम टेबल को हम देख लेते हैं। दोस्तों, पुरी से वलसाड़ के बीच में चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 6:30 पर पुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है। और दोस्तों, पुरी रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है खोरदा रोड जंक्शन। सुबह के 7:15 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 रुकने के बाद सुबह के 7:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है भुवनेश्वर सुबह के 7:50 पर और 7:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है ढेंकानाल सुबह के 9 और 9:02 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है तालचेर रोड सुबह के 9:36 पर और 9:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है अनुगुल सुबह के 10 और 10:02 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है संबलपुर सिटी। दोपहर के 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 रुकने के बाद दोपहर के 12:25 पर यह ट्रेन संबलपुर सिटी से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है झारसुगुड़ा जंक्शन दोपहर के 1:45 पर और करीबन 10 रुकने के बाद दोपहर के 1:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। झारसुगुड़ा जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है छत्तीसगढ़ के चांपा जंक्शन में दोपहर के 3:54 पर और 3:56 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बिलासपुर जंक्शन शाम के 5 और करीबन 15 रुकने के बाद शाम के 5:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। बिलासपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 585 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के पेंड्रा रोड में शाम के 6:58 पर और 7 यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अनूपपुर जंक्शन शाम के 7:50 पर और 7:55 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 5 का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है शहडोल रात के 8:43 पर
और 8:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है कटनी साउथ रात के 11:45 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद रात के 11:50 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है जबलपुर जंक्शन रात के 1:05 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद रात के 1:15 पर यह ट्रेन जबलपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पीपरिया रात के 3:28 पर और 3:30 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है इटारसी जंक्शन। दूसरी सुबह 4:50 पर यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद सुबह के 5 बजे यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। इटारसी जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन सुबह के 6:55 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद सुबह के 7:05 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से रवाना हो जाती है। भोपाल जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1330 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मक्सी जंक्शन सुबह के 9:24 पर और 9:26 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन सुबह के 10:25 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद सुबह के 10:30 पर यह ट्रेन यहां से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रतलाम जंक्शन दोपहर के 12:05 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद दोपहर के 12:15 पर यह ट्रेन रतलाम जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है गुजरात के दाहोद में दोपहर के 1:42 पर और 1:44 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन शाम के 4:26 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद शाम के 4:36 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। वडोदरा जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1870 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सूरत शाम के 6:40 पर और 6:45 पर यह ट्रेन सूरत से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है वलसाड। शाम के 7:50 पर यह ट्रेन पहुंचती है वलसाड और यहां तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2069 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन के साथ में 19055/6 जोधपुर से वलसाड़ तक चलने वाली ट्रेन के रेक भी शेयरिंग होते हैं। तो दोस्तों ये थी पुरी से वलसाड़ के बीच में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।